तो यहाँ पर फाइनली गुपचुप रेडी हो चुका है। मार्केट जैसे भी टेस्टी आता है ना गुपचुप का, उसी तरह मैंने थोड़ा बनाई हूँ। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगे ये गुपचुप, थोड़ा हटके बनाई हूँ मैं। और मेरा गुपचुप एकदम फुला फुला है, एकदम क्रिस्पी है, एकदम नरम नहीं हुआ। छानने के बाद नरम हो जाता है ना, एकदम नहीं होगा। तो चलिए मैंने कैसे बनाई आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रालेसी, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो अभी बच्चों का 3:30, मेरे बेटा को मैंने ट्यूशन में छोड़ के अभी आई। अभी आने के बाद मुझे मन किया गुपचुप खाने का, तो मैं जा रही हूँ गुपचुप बनाने। तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ, मैं कैसे गुपचुप बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए गुपचुप बनाना शुरू करते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ बनाना शुरू करते हैं, चलिए। और यहाँ पर मैंने 1 कप में आटा लिया और 1 कप सूजी। सूजी थोड़ा ज़्यादा लेंगी क्योंकि क्वांटिटी सूजी का ज़्यादा रखूँगी थोड़ा क्रिस्पीनेस के लिए। और आप उस आधे हिसाब से नमक, आप चाहें तो डायरेक्ट सूजी या आटा से अलग अलग करके कर सकते हो। इसका अच्छे से डो बना लूँगी मैं। तो इस डो को मैंने अच्छे से बना ली, थोड़ा सा नरम रखा क्योंकि थोड़ी देर छोड़ेंगे ना सूजी थोड़ा फूलेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आलू उबाल के रखा था, उसमें प्याज मैंने दे दी, उसको चटनी बनाएंगे। धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, उसके बाद स्वाद हिसाब से नमक एक साइड में इसका रख देंगे। जब खाएंगे उसको मिक्स कर लेंगे। उसमें मैं यहाँ पर ग्राइंडर ले लूँ खट्टा मीठा का जो पानी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं धनिया पत्ता ले लूँ, आपके पास पुदीना पत्ता हो भी ले सकते हैं, तो मैं एक ही ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है ट्रिक कि ये आसानी से बहुत टेस्टी लगेगा। ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दी थी खट्टा मीठा का इमली, बहुत टेस्टी है। उसको मैं इस तरह इसमें डाल दूँगी, इसका जो बीज है उसको निकाल लूँगी क्योंकि बीज रह जाएगा। और इस तरह मैं इसको मिक्स कर डालूँ, बहुत टेस्टी लग रहा था ये अचार। तो इसको मैं ग्राइंडिंग कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी दे के मैं इसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा ग्राइंडिंग हो चुका है, आपको जितना खट्टा चाहिए उतना खट्टा आप दे सकते हैं। सादा भी जो खट्टा आता है कुछ दे सकते हैं इमली। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी हिसाब से पानी दे रही हूँ, मुझे जितना पानी चाहिए खट्टा पानी उसी हिसाब से मैं यहाँ पर दे रही हूँ। और इसको मैं यहाँ पर छान लूँगी अच्छे से। तो टेस्टी यही पानी, खट्टा पानी जो होता है वही टेस्टी बनता है। तो ये गुपचुप थोड़ा हटके है क्योंकि ये जो खट्टा मीठा का मैंने इमली डाला ना, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो इस तरह करके छान के मैं इसमें जो मसाला ऐड होगा उसको भी ऐड करके एक साइड में रख दूँगी। और ये पानी बहुत टेस्टी होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने काला नमक दी ही, उसके बाद यहाँ पर मैं चाट मसाला दूँगी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर मैं नींबू छोटा सा पीस देख सकते हैं आप काट के रखा था, इसको भी इस तरह दे दूँगी। देने के बाद मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी उसमें। अब मिर्च, धनिया पाउडर ये सब आप दे सकते हैं, मतलब सूखे मिर्च धनिया पाउडर। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा सेट हो चुका है, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी अच्छे से हाथ में मैश करके। और डिवाइड करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँ, वो बड़ा सा जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह बेल लूँगी। तो यहाँ पर 3 पार्ट मेरा हो गया है, अब रोटी जैसा मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। बेलने के लिए आपको ये सब ज़्यादा पतला मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मोटा रखिएगा। मोटा रखने में क्या होता है ना, गुपचुप बहुत सुंदर फूलता है। और पापड़ टाइप, आपका पापड़ चाहिए तो आप थोड़ा पतला कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मोटा रख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बोतल का ढक्कन मैं ले लूँ, आपको कोई भी साइज़ पसंद हो किसी भी ढक्कन ले सकते हैं। तो मैं इस तरह करके मेरा जितना गोला बनेगा मैं इस तरह निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं मेरा गोला जो है थोड़ा मोटा मोटा मैं रखी हूँ क्योंकि ना थोड़ा अच्छे से फूले और अच्छा क्रिस्पीनेस आए। आप ज़्यादा पतला कर देंगे ना एकदम पापड़ हो जाएगा। आपका जो पापड़ी खाने का मन हो तो आप ज़्यादा पतला कर सकते हैं, और इसका साइज़ भी आप जिसका बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम मैंने बोतल का ढक्कन ली हूँ, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इस तरह करके मेरा जितना मेरा गुपचुप रेडी हो चुका है, अब हम इसको तलेंगे। तो तेल में कढ़ाई भी मैं दे दी हूँ, तेल का कढ़ाई एकदम हाई, मतलब बहुत गर्म होना चाहिए क्योंकि आप डालने से ना एकदम फूलेगा, नहीं तो वो नहीं फूलेगा ठीक से पापड़ी बना। देख सकते हैं मेरा थोड़ा तेल गर्म नहीं हुआ था तो कुछ फूला ही नहीं, आधा फूला आधा नहीं फूला। तो इस तरह करके मेरा तेल एकदम गर्म है, तो मैं इस तरह करके डाल दूँगी सब। और तेल डालने के बाद थोड़ा गैस का फ्लेम लो कीजिएगा क्योंकि लो में ही उसका क्रिस्पीनेस आएगा और बहुत अच्छे से एकदम पापड़ी नहीं बनेगा,
क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम नरम नहीं होगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह देखिए मेरा कलर कितना सुंदर आया, मैं छोटा छोटा बनी, मेरा वो फूला है अच्छे से, एकदम क्रिस्पीनेस आया हुआ है। तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, ये रेडी हो चुका है मेरा, आप रखेंगे भी तभी ये नरम नहीं होगा। तो इस तरह करके मैं यहाँ पर जितना भी मेरा गुपचुप है छान के प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पर मेरा रेडी हो चुका है, खट्टा पानी है, आलू है और गुपचुप है, एकदम फूला फूला, एकदम नरम नहीं हुआ एक भी। और ये आलू का अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये रेडी हो गया मेरा गुपचुप, अभी खाने का बारी है। मेरा मुंह में तो पानी आ रहा है देख के ही, खा के भी मन बुझ गया, फिर भी आगे एक तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना है, देख सकते हैं। और ये पानी इतना खट्टा मीठा लग रहा था, बहुत ही यम्मी। तो मेरे पास गुपचुप देना जो कटोरी होता है ना वो नहीं है, तो एक कटोरी में आपको मैं दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना था। और उसमें डाल के भी दिखा रही हूँ, आलू डाला, उसके बाद थोड़ा सा खट्टा पानी डाला, बस इतना ही काफ़ी है। और खट्टा पानी जो टेस्टी बना था ना, मैं तो गुपचुप खाने के बाद वो पानी भी फेंका नहीं था, उसको भी मैंने पी लिए से ही खाली, बहुत टेस्टी बना था। तो मन कर रहा है ना आप लोगों को इसी तरह गुपचुप खाने के लिए, तो आप ये मेरा रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लगा मेरा रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा, मैंने तो मज़ा ले ली। आप भी हर तरह का मतलब गुपचुप ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन मार्केट जैसा नहीं बना होगा, तो ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। ये जो मैंने चटनी बनाई थी, सॉरी पानी बनाई थी, वो पानी का फ्लेवर इतना अच्छा था, क्योंकि उसमें जो इमली मिलता है ना पैकेट वाला, उसमें डालने से बहुत मज़ा आया था। उसमें जो मैंने डाला उसका जो खट्टा मीठा का फ्लेवर आ रहा था, बहुत यम्मी लग रहा था। तो आप मार्केट से भी खाना में भूल जाएंगे, इतना टेस्ट लग रहा। आपके पास सादा हो तो इमली आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी है। तो मैंने तो मज़ा ले लिया, आप भी मेरा रेसिपी ट्राई कीजिए, ज़रूर मज़ा लीजिए और देखिए कैसे फटाफट फटाफट बन जाता है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। तो थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। तो टिल देन बाय बाय, अभी के फिलहाल कुछ काम नहीं है, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।